हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उमर टॉक्स। और आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों के लिए। तो एक बार आप सबका फिर से मैं चैनल पर स्वागत करती हूँ। और द टॉपिक टुडे इज मोस्टली फॉर 12th फाइनल ईयर 12th स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रन दोज हु आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स। और मुझे बहुत ही यकीन है कि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। या आई गॉट कॉल्स फ्रॉम फ्यू स्टूडेंट्स एंड मैसेजेस फ्रॉम फ्यू एंड टीचिंग चिल्ड्रन सिंस ऑल दिस ईयर्स। तो उससे मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि ये हर एक बच्चा जो इस साल 12th फाइनल एग्ज़ाम्स बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाला था, वो सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है। तो अब ये बच्चे क्योंकि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गया है तो ये रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं, तो ये सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम है। तो मैंने पर्सनली एक आध बच्चों का बात की है, एक आध बच्चों से, और लेकिन फिर ये सजेशन आया कि आई शुड मेक अ वीडियो। सो अगेन आई वॉन्ट you all to share this video with maximum of your friends, those who are waiting for their results in 12th standard, because this is going to be very very beneficial for all of y'all. And do share it, like and subscribe. ये मैं पहले ही बोल रही हूँ। और आपकी एक एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक, एक कमेंट बहुत वैल्यू रखता है, सो प्लीज़ डू दैट। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले द क्वेश्चन इज व्हाट आफ्टर 12th, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। हम अगर एक स्टूडेंट है तो वो हमेशा सोचता है कि इसके बाद मैं क्या करूँगा, व्हाट आफ्टर 12th। यस, आफ्टर 12th, एक्चुअली 12th तक हम स्कूल में रहते हैं, और आफ्टर 12th फिर कॉलेज एडमिशन्स, करियर ऑप्शंस, करियर, व्हाट करियर टू चूज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। सो नॉर्मली द चिल्ड्रेन आर वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज्ड, यस दे आर कन्फ्यूज्ड। और कन्फ्यूजन का है भी कि सब्जेक्ट्स क्या चुने, करियर ऑप्शंस क्या है, करियर कौन सा करियर हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है एंड कन्फ्यूजन और एक चीज़ है, और एक मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमको 10th से ही, जब हम 11th 12th के लिए स्ट्रीम चुनते हैं तो 10th में ही वी शुड डिसाइड व्हाट वी शुड बी डूइंग, हमारा गोल, हमारा एम क्या होना चाहिए। एंड इफ़ इट इज़ नॉट डिसाइडेड देन द कन्फ्यूजन इज़ एट मैक्सिमम। और फिर भी डोंट गेट वरीड, अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो नाउ एटलीस्ट have a goal, okay, that what actually you want to do, what is your goal, and once when you choose a goal, it's easier to move towards it. तो confusion एक तरह से वहाँ पर ख़त्म होगा। तो वो ख़त्म होने के साथ साथ और भी बहुत सारे questions आते हैं students के दिमाग में कि when to choose a career, okay, when to choose a particular course भी, when to choose a particular course, तो कौन सा course, कौन सा career, कौन सा course चुने। actually आपको career चुनने के लिए course लेना होता है so that you reach up to that career। तो सबसे जो पॉपुलर अभी चल रहा है वैसा कुछ करियर चूज़ करें, ओके ये बच्चों का क्वेश्चन होता है कि जो पॉपुलर अभी चल रहा है, इंजीनियरिंग, मेडिकल्स, तो शुड आई गो विद दैट, ओके क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो सबसे पहला ऑप्शन वही है। दूसरा कि हम कुछ ऐसा करें जो हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो वो भी एक प्रेशर होता है, ओके या कुछ ऐसा करें जो हमारे स्ट्रीम से बिल्कुल हटके है, समथिंग विच आई लाइक। एंड सपोज आई हैव टेकन अप मैथ्स, आपने मैथ्स लिया हुआ है और आपको अब मास मीडिया में जाना है, तो नो प्रॉब्लम्स। मतलब ये कन्फ्यूजन्स रहता है कि हमने सब्जेक्ट कुछ और लिया है और बाद में हम चूज़ कुछ और कर रहे हैं, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू दैट। दिस वीडियो ऑफ माइंड ये दो पार्ट्स में रहेगा। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें मैं, आपने साइंस लिया है तो आपके लिए कितने सारे करियर्स हैं वो बताऊँगी, PCM, PCB, कॉमर्स एंड आर्ट्स, वो बताऊंगी। प्लीज़ लगे रहिए वीडियोस में, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ये है, तो जो पॉपुलर, मैंने कुछ पॉइंट्स भी जॉट डाउन किया है, ओके और उसके बाद दैट दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या एग्ज़ाम्स देना है। अगर हमने करियर चूज़ कर लिया, कोर्स चूज़ कर लिया, तो उस कोर्स में एडमिशन के लिए व्हाट एग्ज़ाम्स हैव टू गिव, ओके दैट इज़ वन मोर प्रॉब्लम। एंड अगेन अदर वन, और एक है
कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमारा प्रॉस्पेक्ट्स कितना होगा, हमारी आने वाले टाइम पे हम अच्छा कमा पाएंगे कि नहीं, हम अच्छी सैलरी, आजकल हर कोई, हर एक बच्चा यही सोचता है कि हम एक पर्टिकुलर कोर्स लें, हम इंडिपेंडेंट तो हो लेकिन हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो. सो दीज आर द क्वेश्चंस. और कुछ क्वेश्चंस जो हॉन्ट करते रहते हैं बच्चों के दिमाग में, ओके, वो है कि विथ ऑल दिस, ओके, पेरेंट्स का डिज़ायर, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, ओके, कभी मम्मी बोलती मैं डॉक्टर बनना चाहती थी बट आई कुडंट बिकम, सो यू बिकम अ डॉक्टर, तो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस ये सब, फिर फैमिली का इकोनॉमिक, इकोनॉमिकली कितनी साउंड है फैमिली, कितना अफोर्ड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, ये सारा, पीयर प्रेशर, बहुत बार बच्चे अपने दोस्तों के थ्रू गाइड हो जाते हैं कि मेरे सारे फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो मुझे भी इंजीनियरिंग के लिए जाना है, एमबीए के लिए जा रहे हैं तो आई शुड गो एंड जॉइन विथ एमबीए, तो ये पीयर प्रेशर्स भी बहुत बार रहता है. और बहुत बार ये सैलरी वाला प्रोस्पेक्ट्स भी रहता है कि ये पर्टिकुलर जॉब लेंगे तो हमारा 30 to 40,000 होगा, अगर हमको कुछ और चाहिए तो दैट इज़ ऑल्सो. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अ चाइल्ड आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, कन्फ्यूजन्स यू कैन से, द क्वेश्चंस विच कीप हॉन्टिंग. सो टुडे आई हैव कम विद सम ऑफ द टिप्स. ये पहला है, ये पहले टिप्स हैं, तीन टिप्स हैं, और ये टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ धीरे धीरे सुलझेगा और आपको रास्ता दिखने लग जाएगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है. तो सबसे पहला, सबसे द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट, ओके, दैट डिसाइड योर गोल और एम. इफ़ यू हैव डिसाइडेड, वेल एंड गुड, इट्स वेरी इजी टू गो टूवर्ड्स दैट. बट इफ़ यू हैव नॉट डिसाइडेड, ओके, इफ़ यू हैव नॉट डिसाइडेड देन डू डिसाइड अ गोल और एम ऑफ योर्स. एंड आफ्टर दैट कि आपकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, ओके, तो वो इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स, या आपको करना क्या है. गोल्स में अगर आपके एम्स बहुत सारे हैं कि आपको ठीक है क्या क्या करना है, आपको मास मीडिया में भी जाना है, आपको लॉ भी करना है, सो गो ऑन जॉटिंग डाउन ऑल दोज. तो आप उसको पूरा को, अपनी इंटरेस्ट, आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो सारे को जॉट डाउन कीजिए, ओके. और उसके बाद, ये तो सेकंड वाला हुआ, और बहुत अच्छे से कि आपको आप ये नहीं, यहाँ पे आप मिसगाइडेड ना हो कि पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं, फ्रेंड्स क्या चाह रहे हैं, एल्डर्स क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है. योर ओन इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर ओन इंटरेस्ट, ओके, जॉट डाउन दैट कि आपको क्या क्या है. सपोज अगर आपके पास ऑप्शंस 10 ऑप्शंस हैं कि आप ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से कुछ भी आप करना चाहते हो, तो 10 ऑप्शंस नोट डाउन करो. और फिर थर्ड है कि हर एक ऑप्शंस पे अच्छे से देखो कि उसकी आप उसके लिए क्या मांग रहा है, एलिजिबिलिटी क्या है उसके लिए, ओके, और एग्ज़ाम्स कैसे देने होंगे, उसके बाद करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, उसके आने वाले टाइम पे उसमें आपकी जो ख्वाहिशें हैं, सैलरी वगैरह वो सारा कुछ कैसा है. तो और उसके और भी जो आपको जो पसंद नहीं आता है कौन से हैं वो क्या है. तो हर एक प्रोस्पेक्ट, हर एक करियर ऑप्ट जो आपने पहले किया है 10, उसमें से हर एक का प्रोज और कॉन्स लिखें. और फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि अब जब आपने प्रोज और कॉन्स लिख लिए हैं तो वो प्रोज और कॉन्स, व्हाट एवर प्रोज एंड कॉन्स यू हैव रिटन, ओके, डिपेंडिंग अपॉन दैट try to see that which particular options are suitable for you, which particular career is completely it goes according to your thoughts, ki sab kuch milta julta aapke liye the best kya hai, okay. तो वो हो गया. और वो करने के बाद सपोज 10 पैनल लिया था, प्रोज एंड कॉन्स में से आपको 4 पसंद आ गए, तो वो 4 को आप रखें. और 4 को रखने के बाद गेन प्रैक्टिकल नॉलेज, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट. 5 पॉइंट्स मैंने बोला था, ये 5th पॉइंट है. तो 5th पॉइंट में गेन प्रैक्टिकल नॉलेज. सपोज यू वॉन्ट टू गो फॉर LLB, तो आप LLB करना चाहते हो ग्रेजुएशन में, तो LLB के लिए आप ये देखो कि पास में कोई जो एडवोकेट है, ओके, उनकी लाइफ, मतलब जो प्रैक्टिकली उस पर्टिकुलर करियर में है
उनसे मिलिए, ट्राई टू टॉक टू दैट पर्सन अबाउट वॉट एवर डाउट्स यू हैव अबाउट दैट करियर, ओके, दैट हाउ बेनिफिशियल इट विल बी, वॉट आर द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इट, ओके, वॉट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस प्रॉस कॉन, सब कुछ बात कीजिए. एंड इफ पॉसिबल ट्राई दैट पर्सन दैट आस्क रिक्वेस्ट दैट पर्सन दैट कैन आई बी अलॉन्ग विथ यू, कैन आई अकॉम्पनी यू for one day, try and see how that person's work continues, how much dedication is required for that particular work, whether you will be able to suit to that work or not, whether that work will be suitable for you or not, whether that career will be suitable for you or not. Okay, so if you follow these 5 points, okay, the above questions which I said, jo haunt aapko kar raha hai, jo confusions hai, that will come to an end. So I hope I'm very, very clear, children. And in my next video, just after this, okay, I'll come with all the careers, okay, all the courses which you can opt for taking PSM. अगर आपने physics, chemistry, maths लिया है तो क्या क्या options है आपके पास, क्योंकि confusion वहाँ भी होता है, बच्चों को समझ ही नहीं आता engineering के बाद, उनको समझ ही नहीं आता है कि और कुछ भी है. वैसे ही medical वाले बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि हमको medical करना है, उसके बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं है, रास्ते बंद है. parents भी बोलते हैं अगर आप bio लोगे तो after medicals nothing is there. So I'm going to give you quite many career courses, okay, that you can go for, और जहाँ पे बहुत requirements है आप opt कर सकते हो, वैसे ही मैं commerce और arts के लिए भी दूंगी. So do keep following me, and if you have not subscribed, do subscribe to the channel, like, share and comment. Thank you all, thank you so much, thank you for watching, thank you.